अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बफजले ताला हशाश पशाश होंगे। हमारी आज की मुख्तसर फिल्म का मौजू तरबिया है, मज़ाहिया है। आज तक आपने हमारी ज़्यादातर संजीदा फिल्में देखी हैं, लेकिन आज रियल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की कोशिश है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरी जाएं, क्योंकि ज़िंदगी के तारीख वीरानों में रंग भरना बहुत ज़रूरी होता है। और हंसने हंसाने, कहके लगाने और दोस्त अहबाब की महफिलों में बैठकर रिलैक्स होने से ज़हनी दबाव भी कम हो जाता है। साथ साथ हमारी ये कोशिश भी है कि हम मुआशरे की उन गलत रसूमात को दूर कर सकें जो इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी तो नहीं है, लेकिन हमसाए मुल्क से सीखी हुई गलत आदात हैं। और इन गलत रवायात की वजह से बहुत से वालिदैन माली मुश्किलात और ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, और लड़के वाले उनकी तो मौज ही मौज। तो आइए मुलाहज़ा फरमाइए, हमारी आज की शॉर्ट फिल्म का उनवान है मौजा ही मौजा। अगले प्रोग्राम तक मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह ने के बाद नजमा, 1.5 साल से मैं तुम्हारे साथ लड़कियां देखने जा रही हूँ, अब बस करो। मेरा ख्याल है जहाँ हम लड़की देखने जा रहे हैं, खुदा करे वो तुम्हें पसंद आ जाए। हरगिज़ नहीं, मैंने तहैया कर लिया है, जब तक 200 लड़कियां ना देख लूँ मैं पसंद नहीं करूँगी। 150 लड़कियां देख चुकी हो, अब विंडो शॉपिंग बंद करो। क्यों बंद करूँ? आफ्टरऑल लड़के की माँ हूँ, लड़के की। तुम्हें क्या पता लड़के की माँ क्या होती है? तुम्हारी तो 3 बेटियाँ हैं ना। बड़ा लड़का अदनान, वो तो बाहर गया और किसी गोरी से शादी कर ली और मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। अच्छा, आज हमें कहाँ जाना है? आफ्टर ऑल डिफेंस और कहाँ, तुम्हें पता है ना मैं किसी ऐरे गहरे इलाके में नहीं जाती। और हाँ, मैंने रिश्ते कराने वाली से कहलवा दिया है कि चाय के साथ कबाब सिर्फ छोटे के होने चाहिए, हम बड़ा गोश्त नहीं खाते। नजमा, ऐसा मत करो। क्यों ना करो, तो यही तो दिन है मौज मेले के। शादी हो गई तो सारा खेल खत्म, फिर किसने पूछना है? अभी तो रिश्तों की भरमार है। मैंने तो नौकरानी से कह दिया है रात को खाना ना बनाए। मेरे ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। आओ बेटी, बैठो बैठो। जी ठीक है, हम खुद ले लेंगे बेटा, रख दो। शब बहन कुछ और तो लें, ये सब अफशीन ने बनाया है। मुझे बहुत कम खाने की आदत है। ऐसे करें हम साथ ले जाते हैं, अब पैक करवाते हैं। जी जी, अभी पैक करवा देती हूँ। अफशीन बेटा यहाँ आओ, ये सब पैक करा दो।
आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जी बहन बहुत मेहनती और गुनी है, इस साल MBA भी अच्छे नंबरों से पास किया है। माशाल्लाह। आपकी बेटी की हाइट क्या है? 5 फीट 3 इंच। मकबूल हाइट है माशाल्लाह। मेरी जिशान की 6 फुट 4 इंच है। लड़कियों की हाइट कम से कम 5 फुट 6 इंच तो होनी चाहिए। बहन आजकल तो लड़कियां हील पहनती हैं, हील पहनकर अफशीन भी 5 फुट 6 इंच की हो जाएगी। ठीक है हम सोचते हैं। मेरे ख्याल में सलमा घूमे चलना चाहिए। चल अम्मी प्लीज़ अम्मी ये तमाशा बंद कर दीजिए। ये जो औरतें हैं ना, ये विंडो शॉपिंग करने के लिए आती हैं और पलट के जवाब भी नहीं देती हैं। और जो आंटियाँ मुझे पसंद करती हैं ना, उनके जहेज़ का मुतालबा आप पूरा नहीं कर सकते। मुझे खुद कफील होने दें। बेटी ये दस्तूर ज़माना है, अगर जान पहचान वालों में रिश्ते ना हों तो लड़कियों को दिखाया जाता है। अम्मी ये सरासर गलत है। मैंने MBA किया है और 2 जगह से इंटरव्यू की कॉल भी आ गई है। मैं अब नौकरी करूँगी, मुझे अपने पैरों पे खड़े होने दें। नहीं बेटा, हमारे यहाँ लड़कियों का नौकरी पे जाना अच्छा नहीं समझा जाता और लड़के वाले भी इसे पसंद नहीं करते। भाड़ में जाए लड़के वाले, यह आपका घर है, कोई बकरा मंडी नहीं है। मैं ज़रूर काम करूँगी और नसीब में हुआ ना तो शादी भी हो जाएगी। नजमा, अफशीन तो मुझे बहुत पसंद आई है। माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, खुश शक्ल है, सलीका मंद है। और हाँ, तुम तो कह रही थी कि जिशान जो है वो 6 फिट 4 इंच का है, लेकिन वो तो 5 फिट 9 इंच का है। मेरा ख्याल अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी कर दो। हरगिज़ नहीं, कहा ना जब तक 200 लड़कियाँ नहीं देख लूँगी मैं फैसला नहीं करूँगी। मैंने जहाज की लिस्ट बनाई है, कहो तो दिखाऊं। बोलो। एक कार टोयोटा ऑल्टेक्स 1.6, 3 स्प्लिट AC, वॉशिंग मशीन, डिनर सेट, फ्रिज, फ्रीजर, बेडरूम का फर्नीचर, सोफा सेट, कम से कम 12 शैनिल की रसाइयाँ। मॉम, आपके लिए खुशखबरी है। जिशान, ये लड़की कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। मॉम ये बिनते मोहम्मद है, आपकी बहू। मैंने आपकी सारी मुश्किल रिजॉल्व कर दी ना। बकवास बंद करो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, सुना तुमने? मॉम ये मेरे ऑफिस में तकरीबन 1 साल से काम कर रही है, बहुत ही शरीफ और नेक लड़की है ये। इसके तो माँ बाप भी गुजर चुके हैं, ये तो मैके जाने की जिद भी नहीं करेगी। आज जब मैं ऑफिस से निकला तो इसके पीछे गुंडा लग गया, मैंने वक्त पर पहुंचकर उस गुंडे को भगा दिया। मैंने कहा मेरे साथ चलो, ये बोली किस रिश्ते से जाऊं, तो मैंने साथ ही मस्जिद में निकाह पढ़वा लिया। अब आप खुशियां मनाएं, वलीमे की तैयारियां करें। बस कल ही मैं इनविटेशन कार्ड्स छपवाने के लिए दे रहा हूं। मामा मामा